नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। एक्स जारी करेगा नया सब्सक्रिप्शन मॉडल, यूजर्स को अब लाइक रिपोर्ट के लिए चुकानी पड़ सकती है कीमत। दिल्ली में 6 घंटे तक चली भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, मध्य प्रदेश की बची 94 सीटों पर नाम हुआ तय। तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूकने, राहुल और प्रियंका गांधी बस यात्रा से करेंगे अभियान की शुरुआत, 3 दिन में 18 निर्वाचन क्षेत्र करेंगे दौरा। युद्ध के 11वें दिन बैकफुट पर आया हमास, रक्षा विशेषज्ञ कुलकर्णी ने बाइडन के इजराइल दौरे को बताया अहम। ओडिशा में खाकी शर्मिसार, नाबालिग से दुष्कर्म के 2 मामलों में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। गाजा के अस्पताल में बम धमाके पर महबूब मुफ्ती ने जताया दुख, कहा आखिर कब तक मारे जाते रहेंगे निर्दोष। भारत को ऑपरेशन अजय, 286 नागरिकों संग दिल्ली लौटा, विमान 18 नेपालियों को भी वॉर जोन से निकाला। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आज देगी दीपावली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी, रेलकर्मियों को भी मिलेगी गुड न्यूज। महुआ मोइत्रा विवाद, लोकसभा समिति ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जैन अनंत को किया तलब। पंजाब में नशे का कहर, कोटकपुर में जलालियाना रोड पर सड़क किनारे एक युवक की लाश बरामद हुई। नशे के खिलाफ 30,000 बच्चों ने स्वर्ण मंदिर में सीएम मान के साथ किया अरदास, मुख्यमंत्री बोले बनाएंगे दोबारा रंगला पंजाब। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां। आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला को रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। पीएम ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को बताया दुखद, व्यक्त किया शोक। लखनऊ में नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का धरना, इको गार्डन में जुटे प्रदेश भर के शिक्षा मित्र। भाजपा का नारी निकेतन वंदन सम्मेलन बना खड़ा, महिला कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। मुंबई में कुत्ते को खाना खिलाना महिला को पड़ा महंगा, शख्स से बहस सड़क पर मारपीट तक पहुंची। इसराइल पर हमास के हमले के बाद DGCA सतर्क, मोटर संचालित हैंग ग्लाइड को लेकर सख्त किए नियम। बिहार में कल से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के मुख्यालय में घोषित सभी अवकाश रद्द, खुले रहेंगे कार्यालय, जारी हुआ निर्देश। आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कृषि रोड मैप का करेंगे लॉन्च। पत्रकार सौम्य विश्वनाथन मर्डर केस में सभी 5 आरोपी दोषी करार, 15 साल बाद आया फैसला। एक्शन में RBI BOB के बाद नियम नहीं मानने पर 2 बड़े बैंक पर लगी 16.14 करोड़ की पेनल्टी। सतुत केदार रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए उत्सव डोली। सोनीपत में 4 दिन में धान की खरीद न होने के कारण किसान मायूस, गन्नौर में मंडी के गेट पर जड़ा ताला। महाराष्ट्र से भगत नामदेव घुमान यात्रा का शिष्टमंडल पहुंचा धर्मनगरी, किया गया जोरदार स्वागत। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।